नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आप देख सकते हैं कि आज इंडिया में दो 5G स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। एक है Realme X50 Pro और एक है IQ3। दोनों ही Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट पर काम करते हैं। ये 865 पर चलने वाले पहले स्मार्टफोन्स की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। दोनों ही कंपनियों ने बाजी मार ली है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ा ब्रांड जैसे कि सैमसंग, OnePlus या कोई और दूसरा ब्रांड बाजी मारेगा, पर Realme और IQ जो है वो बाजी मार गए हैं। आपको बता दूं कि IQ जो है वो Vivo का सब ब्रांड था, जो कि Vivo से अब अलग होकर सेपरेट आइडेंटिटी बन चुका है। और आइडेंटिटी बनते ही कंपनी ने सबसे पहले ही अपना तगड़ा और दमदार फ़ोन भारतीय बाजार में पेश कराया है। और आज वीडियो में मैं आपको इन दोनों फ़ोन का एक कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। ये कंपैरिजन स्पेसिफिकेशन के बेस पे नहीं है, ये कंपैरिजन कैमरा के बेस पे नहीं है, ये चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन है। क्योंकि दोनों ही कंपनी एकदम सुप्रीम फास्ट चार्जिंग लेके आई है। IQ में आपको मिलता है 55 वाट का चार्जिंग सपोर्ट, बॉक्स के अंदर भी चार्जर जो आपको मिलता है वो भी 55 वाट का है। और आज वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा चार्जर फास्ट है, क्या 55 वाट का होने के बावजूद भी IQ Realme पर भारी पड़ पाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि जितना तो Realme नहीं है, पर क्वेश्चन यहाँ कि भारी पड़ पाएगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ मार्जिन से ही Realme आगे निकले। तो आज वीडियो में हम यही जानेंगे कि इनमें से कौन सा चार्जिंग आपके लिए बेटर है। पर वो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि Realme X50 Pro में आपको 4200mAh की बैटरी मिलती है, तो IQ3 में मिलती है 4440mAh की बैटरी। और anyway इसकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी क्योंकि बैटरी बड़ी है। चलिए बिना किसी देर के इस बैटरी टेस्ट को शुरू करते हैं और मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन कितनी देर में चार्ज हुआ। दोनों के चार्जर्स को मैंने इलेक्ट्रिसिटी में प्लग कर दिया है और यहाँ से मैं चार्जिंग ऑन कर देता हूँ और टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ। 10-12 सेकंड का फ़र्क आया होगा, पर उससे इतना कुछ मैटर नहीं करता, माइनस कर लेंगे 10 सेकंड एंड में। तो देख सकते हैं कि Realme 1% हो चुका है और IQ अभी चार्जिंग ऑन हुई है, दोनों चार्जिंग शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी देर में देखते हैं, आधे घंटे में देखते हैं लगभग कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। Realme X50 Pro 95% चार्ज हो चुका है और Vivo कितना चार्ज हुआ है वो भी हम देख नहीं पा रहे क्योंकि परसेंटेज लिखी नहीं आ रही इसमें। इसलिए एक काम करते हैं, इसे ऑन ही करना पड़ेगा तभी हम परसेंटेज देख पाएंगे। इसको भी ऑन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में कंपटीशन बराबर रहे इसलिए मैं सब कुछ इनके फीचर्स को ऑफ कर देता हूँ और ब्राइटनेस भी लेवल सेम कर देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ फीचर बैकग्राउंड में चल रहा होगा तो चार्जिंग स्पीड पर असर पड़ेगा। ब्राइटनेस दोनों की ऑलमोस्ट 50% है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हम इसकी बैटरी देख रहे थे तो ये 88% हुआ है। अगर 2 मिनट माइनस करें तो ऑलमोस्ट 86% हुआ है आधे घंटे में। और ये आधे घंटे में कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो आधे घंटे में 95% हुआ था, उसके बाद अब 96 हुआ है, तो ये भी 86 के या 87 के आसपास हुआ होगा आधे घंटे में। स्क्रीन्स ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 43 मिनट्स 50 सेकंड में Realme फुल चार्ज हो चुका है। 43 मिनट्स 50 सेकंड्स, जी हाँ, जबकि IQ जो है वो 98% पे है। अब यहाँ पे निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकलता है, आप देख सकते हैं कि 43 मिनट्स ऑलमोस्ट में ही एक 100% हो गया था और एक 98% पे है। यहाँ पे आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि इसमें 55 वाट की चार्जिंग स्पीड है और 4440mAh की बैटरी है, थोड़ी बैटरी भी इससे बड़ी है, तब भी ये काफ़ी हद तक Realme के इस फ़ोन को तगड़ा कंपटीशन दे पा रहा है। अब देखते हैं कि ये कितनी देर में फुल चार्ज होता है। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में और में हो जाना चाहिए फुल चार्ज। तो ये अब IQ भी पूरी तरह से 100% चार्ज हो चुका है। आपको मैं सेटिंग में जाके बैटरी दिखा देता हूँ। बैटरी परसेंटेज आप देख लीजिए, 100% चार्ज हो गया है और 47 मिनट 54 सेकंड में हुआ है। 43 50 सेकंड्स में Realme हुआ था चार्ज और IQ जो हुआ है वो 47 54 में हुआ है, 47 मिनट 54 सेकंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 मिनट का डिफरेंस है। मैं चार्जर निकाल देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 मिनट का डिफरेंस है दोनों फ़ोन में चार्जिंग स्पीड के मामले में।
यहाँ पे ज़रूर ये नोटिस कीजिएगा कि 55 वाट की चार्जिंग स्पीड इसमें है और इसमें 65 वाट की है, 10 वाट का डिफरेंस भी है, ज़्यादा बड़ी बैटरी भी है आईकू में, और तब भी सिर्फ 4 मिनट के डिफरेंस से ही आईकू जो है वो रियलमी से पीछे रहा है। इसलिए यहाँ पे हम इसको बहुत पीछे नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको कमज़ोर फ़ोन नहीं कह सकते चार्जिंग के मामले में। अगर आप इस फ़ोन को भी कंसिडर करते हैं तो चाहे चार्जिंग स्पीड हो या बैटरी हो, ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और परफॉर्मेंस के बारे में तो आप जानते हैं कि 865 चिपसेट इसमें भी मिलता है और ये भी एक 5G स्मार्टफोन है। साथ साथ इसमें आपको गेमिंग के लिए ट्रिगर बटन्स भी मिल जाते हैं। पर यहाँ पे देखना था कि कंपटीशन कितना तगड़ा है, तो कंपटीशन एक्चुअल में बहुत क्लोज है। आईकू भी कुछ कम नहीं है और इसको रियलमी के सामने हम कुछ कम नहीं कह सकते। 4 मिनट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता नहीं है यार, 4 मिनट क्या होते हैं, मतलब एक गाना सुनो और 4 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम आईकू भी को भी कुछ कम नहीं कहेंगे। हालांकि विजेता तो रियलमी है कि सबसे पहले चार्ज हुआ है सिर्फ 65 वाट की चार्जिंग स्पीड के साथ। तो हैट्स ऑफ टू बोथ द स्मार्टफोन्स के 50 मिनट के अंदर अंदर ही दोनों स्मार्टफोन फुल चार्ज हो चुके हैं। और बैटरी आप एक बार फिर से दोनों की देख लीजिए। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। पर एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।